क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में जब ये मैं पोस्टर देखता हूं तो मैं बहुत हंसता हूं। अच्छे बीते 5 साल, ये केजरीवाल जी का जो पोस्टर है ये देख के बड़ी हंसी आती है। एक तरफ तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी हमको काम ही नहीं करने देते हैं। ए भैया, जब तो के कमोवे ना करे देने तो 5 साल कैसे अच्छा बीता है। इतना झूठा आदमी कहीं देखने वालों, जब आपको काम ही नहीं करने दिए मोदी जी तो आपका 5 साल अच्छा कैसे बीता। और कहीं कहीं बैनर ये भी है, जैसे ये अच्छे बीते 5 साल, वैसे कहीं कहीं है अच्छे बीतेंगे 5 साल। तो जब 5 साल मोदी जी थे आपको काम नहीं करने दिए, तो आवे वाला फिर 5 साल तो मोदी जी हो तो कैसे काम करवा दू है? अभी भी तो केंद्र में मोदी जी है ना, और मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि मोदी जी वो भारत माता के सपूत हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी, आपने हवा हवाई वादे बहुत किए और हमारी जनता ने उस प्रलोभन में आकर के आपको चुना, आप पे विश्वास दिखाया कि शायद जो आप बातें कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, लेकिन आप पूरी तरह फेल हो गए। तो अब मैं आप लोगों को यह भरोसा देने आया हूं, आप लोगों से ये बात करने आया हूं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसे पार्टी की सरकार चाहिए जो बात कहे उस पर खरी उतरे। एक समय था जब कश्मीर में हमारे देश की शान तिरंगा झंडा को आतंकवादी अपमानित करते थे, अलगाववादी अपमानित करते थे, पैर के नीचे कुचलते थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता, सावधान रहिए, वहां भी कोई केजरीवाल जी की पार्टी का है क्या बंद कर दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन के ही सभी विपक्षी दल को बुखार आ जाता है, क्योंकि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने नेतागिरी का पूरी परिभाषा को ही बदल दिया है। एक समय था जब मैं भी ये बात कहता था कि होते चुनाव फिर आ गया नेताजी, अब बन के बहु रुपया दिखाई गेला नेताजी। पर उस पूरे समीकरण को अगर किसी ने चेंज किया, नेतागिरी के मतलब को बदला, राजनीतिक पार्टियों के लिए सम्मान लाया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, जो कहा वो करके दिखाया। मैं जो कहना चाह रहा था, कश्मीर में एक समय था जब हमारे देश की शान तिरंगा झंडा को अपमानित करते थे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 370 धारा कश्मीर से हटा दिया जाएगा। और किसी में इतनी ताकत नहीं थी, किसी में इतना दम नहीं था, क्योंकि यहां लोग राजनीति कैसी करते हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, या अखिलेश यादव जी हो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे भारत माता का सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, खुश रहो, नाराज रहो, अच्छा लगे बुरा लगे, भारत की शान तिरंगा कश्मीर के आकाश की बुलंदी में फहराएंगे। और अगर वादा किया तो उन्होंने करके दिखाया। जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने आपसे किया था, एक एक करके निभाया है। तो आज मैं ये बात करने के लिए आया हूं भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि आज जरूरत है हम सबको समझने की। एक तरफ ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं
जो नफरत की राजनीति करते हैं। अभी जब शरणार्थियों को हमारे हिंदुस्तान में अंदर नागरिकता देने का कानून आया तो ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अरे जब सीधे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, कानून मंत्री जी ने कह दिया, किसी ये जो कानून है वो किसी हिंदुस्तानी पे लागू नहीं होता है, ये शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं आया है। इसके बाद किस बात का विरोध कर रहे हो? क्या चाहते हो? इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो? तुम्हारी औकात है इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग? बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए पूर्व मुख्यमंत्री हमारे।